24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल की टीम ने जनपद मुरादाबाद के विभिन्न गांव का दौरा किया और जाना जनता से लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ गांव में मिल रहा है या नहीं। हमारी टीम की बात हुई मनरेगा में काम करने वाले कुछ मजदूरों से। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। गाँव में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा में गरीब मजदूरों को काफी दिन से लगातार काम दिया जा रहा है, जिससे वो लोग खुश हैं। गाँव में मास्क वितरण व सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है। ग्राम प्रधान पुत्र ने मूल रूप से सभी को जानकारी दी। इसके बाद हमारी टीम ने बात की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मौजूदा जनता से और ली उपभोक्ताओं की राय, पूछा राशन के बारे में। हाँ जी, आप भी काम करने? हाँ, काम करने आए हैं भैया। कितना टाइम हो गया काम? कम से कम 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। हाँ, तो लॉकडाउन में इससे पहले कहीं और भी काम करते थे आप? हाँ, पहले भी करा है। क्या काम किया पहले? यही मजदूरी का काम करा है। अच्छा, मजदूरी का काम कर? हाँ। तो लॉकडाउन चल रहा है, सभी मजदूरी बंद है। हाँ। तो मनरेगा के अंतर्गत? हाँ, ये प्रधान जी काम करा रहे हैं। अच्छा। हाँ, प्रधान जी के अंडर में कर रहे हैं काम। तो आपको प्रधान जी काम दे रहे हैं? काम दे रहे हैं। और भी कुछ सुविधाएं मिली है? हाँ, बहुत सुविधा मिली है। क्या सुविधा मिली है सर? हाँ, PMO मिला है। हाँ, दो किस्तें मिल गई। अच्छा, दो किस्तें मिल गई। हाँ हाँ। लॉकडाउन में सभी लोग परेशान हैं, आपको रोजगार मिला है, खुशी लग रही होगी? बहुत खुशी लग रही है, प्रधान जी बहुत बढ़िया काम चलवा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, सभी को रोजगार दे रहे हैं प्रधान जी। सर, हम ये पूछना चाहेंगे कितना गल्ला दे रहे हैं आप? 50 यूनिट 5 किलो। जी, और 1 किलो प्रति कार्ड चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये आपने यहाँ क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करा रहे हैं। जी, 2 मीटर की दूरी से हिदायत कर रहे हैं। जी, 2 मीटर की दूरी जो बना कर रहिए, आराम से अपना बारी बारी अपना गल्ला दे। जी जी, कितना गल्ला देते हो एक दिन में? एक दिन में करिए 100 कार्ड तो निकाल। अच्छा अच्छा, 100 सवाल। जी जी जी, तो पानी वानी की व्यवस्था सब कर? पानी की व्यवस्था मैंने हाँ कर रखी है यहाँ पर। जी, तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, टाइम पे जितना भी गल्ला आ रहा है सब आप टाइम पे दे रहे हैं? टाइम पे बांटना चाहिए। जी, 15 तारीख से जो हमको कल हमने अपनी जो कितना आए हैं? कितने यूनिट है घर पर? 4। कितना गल्ला मिलता है? 20 किलो। तो डीलर साहब कुछ परेशान तो नहीं करते? नहीं, नहीं। दबाव में आके तो नहीं कह रहे हो कि डीलर साहब खड़े बोल रहे हो कि हाँ सामने खड़े हैं तो इसलिए हम पूरा बता दें? नहीं। अच्छा, सही टाइम पे मिल रहा है? सही टाइम। तो इस समय चना आया इस बार? अभी मिला नहीं है सर, अब मिले। चलिएगा, ठीक ट्रैक में मिलता है। अच्छा, 3 यूनिट पे 15 टाइम पे मिलना? हाँ, समय से मिल रहा है। चलिए, मिल जाता है गल्ला का, तो कोई वो अपने को वो नहीं है इतना। जी जी जी, लेकिन आपसे सरकार से शिकायत है? आपको सरकार के साथ हमारी शिकायत है, बगैर जमीन। लॉकडाउन में कुछ आपको सुविधा मिली है? लॉकडाउन में हमारे लिए बस राशन जो आया है फ्री का वही आता है, बाकी कुछ नहीं है। तो सरकार से भेज रही है 1000 रूपए? कुछ नहीं है, हमारा कोई रुपया नहीं आया किसी तरीके का। अच्छा, और ये सरकार ने गैस सिलेंडर के लिए भी? गैस सिलेंडर वाला आया, वो फ्री का, वो सबका आया, तो हमारा भी आया, कोई स्पेशल हमारा थोड़ी है, वो तो सबका फ्री आया, तो हमारा भी आया। नहीं, तो कुछ तो सुविधा मिली है ना? तो आप कह रहे हैं बिल्कुल ही नहीं मिल पाई है, तो सरकार जो पैसे भेज रही है लोग बारों को काफी मिले हैं, लेकिन आपकी समस्या ये है कि आपको नहीं मिल पाए? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। हाँ सर, कितने लोगों का यहाँ रोजगार दिया जा रहा है? लगभग 250 लोग हैं आज। 250 लोग हैं जी। तो यहाँ व्यवस्था किस तरीके की गई है? व्यवस्था सैनिटाइजर का प्रयोग करके जो है पहला काम कराया जा रहा है मास्क के द्वारा, उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया जा रहा है सभी लोगों को मास्क से। जी जी जी, बिल्कुल। पानी की व्यवस्था? हाँ, पानी की व्यवस्था है। किस तरह की शिकायत तो नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, अच्छे से काम चल रहा है। प्रधान जी द्वारा किया गया कार्य सही चल रहा है? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करा जा रहा है। कितना रोजगार हो रहा है? हाँ, लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं। हाँ हाँ, मैं राशन डीलर। क्या क्या सुविधाएं हैं? क्या क्या सुविधाएं हैं? चना आया है इस टाइम, चावल आया है। अच्छा भाई, कुछ सुविधा जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह की दे सकते हैं? हाँ हाँ, सब कर रखी है सर। पानी भी? हाँ हाँ, पानी की भी है, सैनिटाइजर की भी है। पालन कर रहे हैं सभी लोग आपके यहाँ? हाँ, सब पालन कर रहे हैं बिल्कुल। अभी गोले वगैरह कार्ड रखे हैं बोला था उन्होंने। हाँ हाँ, सरकार इस समय हाँ करके भी देखिएगा, कोरोना जैसी महामारी चल रही है। हाँ हाँ, बहुत बहुत उससे पालन कराया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ठीक। और भाई, ज्यादा ही सरकार का सेक्टर देगा जितना ही हो सके संभाल कर। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से वितरण हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। कितना मिलता है? 50। कितने यूनिट है? 10। अच्छा, पूरा मिल रहा है? अच्छा, चने भी आए हैं दे रहे हैं? अभी तो राशन मिलेगा। अच्छा, अभी राशन मिलेगा नहीं? मिलेगा। आपको टोकन लिया है अभी आपने? हाँ। चलो ठीक। हमारे साथ मौजूद हैं खबड़े घाट ग्राम पंचायत के मुखिया ज्ञान सिंह, और हम उनसे बात करेंगे कि कितने लोगों को इस समय मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। हाँ सर, बताइए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? मैं ग्राम पंचायत खबड़िया घाट से प्रधान पुत्र दानवीर,
इस समय हम जो करीब 250-300 लोगों को रोजगार डेली दे रहे हैं। जो कोई भी काम पे हमारे आ रहा है उनको तुरंत हम काम पे लगा रहे हैं, नहीं किसी को भगाया जा रहा है, ना कुछ करा जा रहा है। मास्क द्वारा वितरण करके सैनिटाइज वगैरह हाथ धुलाए जा रहे हैं, साबुन से भी हाथों का प्रयोग किया जा रहा है। जो बाहर से भी व्यक्ति आए उनको काम पर नहीं लगाया जा रहा। बाहरी व्यक्ति इस समय आ गए होंगे हमारे यहाँ 80-90। उनकी व्यवस्था जो जाँच वाँच वगैरह कराया उरा के उनकी खुद ही क्वारंटाइन घर में कराया गया है। जी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमने 90% से ज्यादा पैसा दिलवा चुके हैं। 10% लोग रह गए जिनके खाते या आधार कार्ड गलत है। आप भी रोजगार के लिए आए, लॉकडाउन में कितने दिन काम मिला? हम हो गए 10-11 दिन काम करते हो। 10-11 दिन हो गए तो प्रधान जी ने और भी कुछ सुविधाएं दी हैं आपको? सब सुविधाएं दे रहे हैं, सारी सुविधाएं मिलनी है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कुछ पैसे डाले जा रहे हैं वो मिले आपको? हाँ वो मिले। अच्छा कितनी बार मिल चुके? अभी तो हमें 2-1 बार मिले हैं। अच्छा 2 बार मिल गए। अम्मा किसने आई हो? राशन लेने आई है। तो आपको मालूम है कितना मिल रहा? 25। कितने यूनिट हैं आपके? 5 हैं। पूरा ही देते हैं? 5 किलो 25 किलो दे रहे हैं। हाँ तो पूरा देते हैं ना 25 किलो आपको? 45 किलो मिल कर 40 किलो मिल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस समय चना भी आ रहा है? चना मिला? चना अभी नहीं मिला, मिलेगा। अच्छा अच्छा, आज तक कोई नहीं मिला। नहीं इसी बार आया ना? हाँ आया, चना इस बार आया। जी जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? किस तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी, मनरेगा में काम करते हैं सर। इससे पहले भी मनरेगा में काम करा, फिर जब काम ना हो तो खाली रह गए घर, कहीं अपना खेती बाड़ी कर ले करे। लोड गांव से तो करीब 10 दिन से चल रहा है। हाँ कोई किसी बात की समस्या नहीं गांव में, सब गांव बढ़िया है, सही तरीके से रह रहे हैं, अपने लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं सभी गांव वाले। बहुत बढ़िया विकास कराया हमारे गांव के प्रधान ने, बहुत एकदम बढ़िया करके। कितने यूनिट है घर पे? 6। कितना राशन मिला? 30 किलो। और इस समय दाल मिली? अभी मिलेगी। अच्छा लेने के लिए? हाँ। चना मिल रहा है ना? हाँ चना मिल रहा है। कितना चना दे रहे हैं? 1 किलो। 1 किलो मिल रहा है? 5 किलो मिल रहा है। 3 यूनिट। अच्छा फिर 3 यूनिट मिल रहा है जी। कोई किस तरह की दबाव में आके तो नहीं कर रहे? जी कुछ नहीं। पूरन। तो आप भी काम करने के लिए आए? हाँ। अच्छा लॉकडाउन में कितने दिनों काम मिला है आपको? 12 दिन। 12 दिन हो गए? हाँ। अच्छा तो आप काम करते हो या ये सिर्फ आपको खाली बैठाने के पैसे देते हैं? बैठाने के काम कर रहे हैं, बैठाने का काम पैसा कौन दे देगा? ग्राम मलूपुरा हरदोडांडी। अच्छा राशन लेने के लिए? जी। कितना राशन मिलता है? 30 किलो राशन मिलता है, 6 यूनिट है। अच्छा 6 यूनिट है, 30 किलो राशन मिलता है। जी जी। तो अब इस समय सरकार कुछ दाल भेज रही है, चना भेज रही है, आपको मिला? हाँ मिला। कितना मिला? 2 किलो। 2 किलो चना जी। कोई शिकायत तो नहीं आई अभी तक? तो कोई शिकायत आई नहीं है, आगे को जब आगे तो बताएंगे।